सर ये ई रिक्शा का शोरूम है और लोग आपके शोरूम में क्यों आए, क्या इसमें खासियत है इसलिए ये लोग यहाँ आपके शोरूम में ज्यादा ज्यादा आए? सर पहली बात तो ये है कि जांगिड़ मोटर्स है वो सबसे पुरानी मोटर्स है ई रिक्शा के मामले में। पहले इसमें कुछ खामियां रही थी तो उनको अब कंपनी ने वो करके इसमें और बेहतरी की है, तो इस वजह से इसकी मतलब बॉडी को इसकी सर्विसिंग को ये देखते हुए जांगिड़ इज द बेस्ट जी। कहीं ई रिक्शा या इलेक्ट्रिकल वाहनों में बैटरी की समस्या आती है, किलोमीटर की समस्या आती है, सर आपके पास कितने किलोमीटर के वाहन है? सर ये है कि बैटरी का तो ये है, सबसे पहली बात तो अपने गांव में रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक वाहन का। दूसरा क्या है कि अपन जो इसमें बैटरी दे रहे हैं वो 130 AH की ईस्ट मैन की बैटरी है और ईस्ट मैन का ही चार्जर है, जिनकी रेट है चार्जर की रेट है 6000 रूपये और बैटरी की है 36800। तो मैं ये मानता हूं इलेक्ट्रिक व्हीकलों में इस चीज को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ग्राहक को भी और ओनर को भी। क्यों? जब तक बैटरी चार्जर अच्छे नहीं होंगे तो वो सर्विस अच्छी नहीं देगा। तो इस वजह से अपन इसमें बैटरी एक नंबर की ईस्ट मैन की लगा रहे 130 AH की जी। सर कहीं जो ग्राहक आए आपके पास किस लिए आए, कितनी देर में आप उनको विकल्प उपलब्ध करा देते हो? ग्राहक इसलिए आए क्योंकि हम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल शोरूम वाले क्या करते हैं, अपना बस एक बार सामान बिक जाए उसके बाद उनको परेशान करते हैं। अपने पास ऐसा कोई सीन नहीं है, अपन उसके जैसे आज उसके साथ है खड़े रहेंगे, उनको वो बेचने में जितना साथ देंगे उतना ही, अगर उनके साथ कोई गलती हो जाती है, वो कोई परेशानी में आ जाता है, उस समय भी अपने उनके साथ रहेंगे। और जल्द ही मैं 15-20 दिन में यहाँ सर्विस सेंटर की सुविधा डाल रहा हूँ, यहीं पास में बगल की दुकान में या फिर वहां सामने, अभी दुकान का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे समय में हम मतलब कस्टमर के साथ 24 घंटे हैं, अपनी सर्विसिंग के लिए ही अपन इस मेवाड़ मोटर्स को फेमस करना चाहते हैं। मेवाड़ मोटर्स पे ही लोग आए, और फाइनेंस कितनी देर में आप दे देते हो या कितना चार्ज पहले लेते हो? सर फाइनेंस की सुविधा तो ये है कि आप एक बार आओ समथिंग आध पौन घंटे में आपकी पूरी फाइनल प्रोसेस हो जाएगी, आपको जल्दी से जल्दी यहाँ से मतलब सारे कागजी कार्रवाई करके आपको गाड़ी हैंड ओवर कर दी जाएगी। सर क्या क्या दस्तावेज लोग लेकर के आए जिससे तुरंत ही गाड़ी लेकर के जाएं? इसमें यह है कि दस्तावेज दो फोटो, दो आईडी, एक कैंसिल चेक अगर आप फाइनेंस करवाते हो तो, और एक चेक। क्यों एक चेक इसलिए मांगते हैं क्योंकि आरटीओ ऑफिस से मतलब इनको सब्सिडी आती है 23000 रूपये, तो उनका टाइम 3 महीने का है तो वो जल्दी से जल्दी इनके खाते में आ सके, इसलिए एक चेक की जरूरत पड़ी। तो कहीं राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो सब्सिडी है उसका लाभ भी आपके मेवाड़ मोटर्स पे मिलता है? हाँ बिल्कुल, वो मिलता है, और वो यहीं क्या है, वो तो सब जगह ही मिलता है, गवर्नमेंट की स्कीम है वो, तो वो सब जगह मिलेगा। पर अगर जैसे कोई मोटर्स वाला अगर चीटिंग करे या आरटीओ ऑफिस में अगर कोई वो करे तो वो उनके नहीं दे पाते, उनको नहीं मिल पाते बहुत से लोग जी। सर इसमें आरटीओ का कितना खर्चा आता है लोगों के? सर आरटीओ का तो इसमें समथिंग 10-12000 रूपये लग सकते जी। सर आप ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ग्राहकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने रोजगार के लिए कोई भी साधन खरीदते हो उसको जांचो, परखो, देखो और फिर सौदा करो। अगर आप कहीं से भी लेने का मन कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि हमारी मेवाली मोटर्स पे आओ, पर जहां से भी लो बैटरी, टायर, चार्जर वगैरह सब चीज देख के, एसेसरीज देख के फिर सौदा करो।